क्या आपने कभी बीटरूट की पूरी ट्राई की है? अगर नहीं तो ज़रूर कीजिए। इसके लिए पहले हमें चाहिए गेहूं के आटा, इसके बाद बीटरूट। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं और सिर्फ बीटरूट का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर बीटरूट का जूस। फिर इसको अच्छे से मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फिर इसको कुछ देर के लिए ढक के रख दीजिए। इसके बाद छोटे छोटे बॉल बनाकर पूरी की तरह बेल लेंगे। आप अगर चाहें तो तेल की मदद से भी बेल सकते हैं। इसके बाद तेल को गर्म होने दीजिए। लास्ट में हाई फ्लेम में पूरियां फ्राई कर लीजिए। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म बीटरूट की पूरी।